लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस मैच के बाद पार रहेंगे एक जो कि नियो एंट्री पंकज चौहान युवा छोटे गति के खिलाड़ी है। पिछले मैच में काफी उन्होंने कोशिश की थी अच्छी तरह डिफेंसिव ने बॉल को रिलीज किया सीमा के लिए, क्योंकि पिछले मैच में उनके शानदार गोल होने की थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, हल्की बारिश होने के बाद मैदान थोड़ी सी गीली हो चुकी है, खिलाड़ी को होल्ड करके खेलना होगा, सबर कर खेलने की आवश्यकता है। अभी भी बॉल के लिए जूझते हुए लेकिन विपक्षी टीम के खिलाड़ी सिडनी होन्ना का प्रश्न नंबर 13 सीमा के लिए पास बनाया, सुनाए बार काफी तीन के लिए बोल रात हुई प्रश्न नंबर 5 के लिए पांच नंबर 1 खिलाड़ी को बीच के ऊपर बार बनाए हुए 13 नंबर 13 नंबर के खिलाड़ी बहुत चुके थे भागते हुए अच्छी तरह से हुई है ये पूरी कोशिश लेकिन पारू से ही बोलते होगा कृष्ण बट्टे शानदार ड्रिवरिंग
लेकिन ज्यादा देर तक कोर्ट को नहीं रोक पाए, थोड़ा कितना नंबर के पास 13 नंबर के खिलाड़ी का बाद हाथ में हाथ लिखा धीरे गति में स्कोर किया मौका मौका किया नंबर 7 के लिए स्कोर लेने की कोशिश लेकिन स्कोर है करने नहीं दिया गया है प्यारे की ओर से अभी भी वो लिमिटेड लीग के कब्जे में शानदार क्रॉस लेकिन बोल जाएगी गोल लाइन से काफी बाहर मौका मौका किया राज को चर्चा की लेकिन पारू का ही डिफेंसर ने वो को फीट किया अच्छी उन्होंने डिफेंसिव करके अपने गेम के लिए और गोल को जाने का गोल आज बाहर पहला मैच में ये पहला सोलह सी का मौका मिलेगा एनटीसी एथलेटिक्स को क्योंकि हमारे क्षेत्रीय भाषा में आमा गोल भी कहा जाता है फुटबॉल की भाषा से अगर कहा जाए तो 100% कहेंगे 80% या 90% ये चांसेस होती है गोल डालने के एक अच्छा मौका सुशील 30 में निकले था लपका एक स्टॉप हुई है लेकिन फोकस क्लियरेंस करने की पूरी प्रार्थना दी थी पारो से निकल जाएगा 70 या 17 अच्छा था काफी टीम लेट होकर के अभी भी पेनल्टी जोन में चार चार खिलाड़ी बोलते जीतते हुए गेम बोल रही है गोल लास्ट बाहर और कृष्णा करण की कोई नामी बाजी की ओर से कोच ने चाहे देते हैं एक अच्छा काम पर जान देने तो चलते हैं पुनः बार रिश्ता रिश्ता के बाद बारिश के कब्जे में कृष्ण मणि का मुख्य डिफेंडर गोल को रोकने के बाद बाएं फ्लैंक का इस्तेमाल लेफ्ट के हाथ के लिए गोल लेफ्ट की बैटर के पैरों में गोल को रोकने के बाद तेजी गति से गोल आने की कोशिश लेकिन स्पीच पुनः बार कृष्ण नंबर 9 के द्वार के लगता पुनः बार एक लंबा किक कृष्ण नंबर 8 गोल को रोकने की पूरी कोशिश कोशिश करने के प्रयास में खिलाड़ी ट्रेनिंग किया क्या गोल लेंगे शानदार शॉट गोल किया पक्का लेकिन सपोर्टर में अभी भी गोल की प्यास है हेलो टीम लेकिन स्पीच गोल आएगी गोल कीपर ने उनके डिफेंडर गोल को जाने दिया गोल लाइन से बाहर कमाल का मैच दोनों ही टीम की ओर से जैसे कहा जाता है सूरज निकली होगी चांद से दुआ पर इसीलिए तो चांद में लाग है मुमकिन हुई होगी चांद से दुआ पानी इसीलिए तो सूरज लाग है यहाँ पर खेलेगी सेकेंड हाफ के बाद दोनों का आगे धड़क चुकी है और इस आग को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती गोल की जरूरत है बारूद के पैरों में अच्छी प्लस में अभी भी गोल कृष्ण नंबर 13 सीमा के पैरों में एक खिलाड़ी को फीट की दूसरे खिलाड़ी को चला बनाया अपने आप चरा तो करेंगे एनटीसी इतनी अच्छी मौके पर आप करवाएंगे तो लेकिन ब्राइट बार गोल टीम गोल के जूते हो पहला स्पीड दूसरा बढ़ते हैं अच्छी मौके पर अभी भी बोलूं के पैरों में अच्छी स्किल दिखाने की कोशिश बारूद ने गोल छीना बारूद के कब्जे में छोटे का निकलवारी तेजी का स्कोर को मार दिया लेकिन सिंधी ने गोल रोका कोई तो बाहर गया था पूरा एक बार बारूद के पैरों में दूसरा बढ़ना दूसरी का ऑफ प्लेट यानी कैसी ऑफ प्लेट पीछे दोनों ने धक्का देने की कोशिश की सुषमा कुमारी के राइट पर मौजूद रहे उनके नजर से आप नहीं बच पाएंगे जी हाँ महिला मैच में महिला रेफरी फीमेल रेफरी और यहाँ पर मिलेगा क्या फ्री किक टीआरएस बारू साइड को जी सो तेजी का मौका हर बनाए नहीं हर बनाने में आपकी हिस्सा है सीटी रुकी है सीटी आने के बाद आप भी कर सकते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी नजर हटी दुर्घटना घटी अब सरदा हुसैन ने आपको संकेत दिए हैं सिटी आने के बाद आप सोच ले सकते हैं जी हाँ हर बार नहीं आप ही फिर करेंगे किसी प्रचार को करके सातारा बोल थी कि नहीं किसी की जपान मार लगता है बोले लेकिन भाई सोफी का अभाव नहीं थे भाई तो मिले तारे विपक्षी टीम ने खिलाड़ी की गोल की चारों मुड़े ले जाकर उनके पांच नंबर खिलाड़ी मेरे ग्राम चक्र का अंदर मेरे ग्राम चक्र के कोचिस सभी तार दिया रस बारू देख रहा है गोल रही है कि प्राप्त करिए क्रॉस अंदर भी से तीन नंबर तार है तीन नंबर एक खिलाड़ी बोल रहे हैं दूसरे बोल देना तीन यानी बात होते वो आपको दे दे पापा कोई में मौके मिला गया पहला जाकर लगता है बीआरएस बारूद से फुटबॉल के
टीमों की एनटीसी आपसे की ओर से और हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री इंद्रजीत गुप्ता बुद्धिजीवी ग्राम जयपुर से और हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हमारे मंच की ओर से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपना घरेलू काम को छोड़कर आए हुए हैं हमारे बीच में अपना वक्त लाने के लिए। हम आपको तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहते हैं। एक ही खिलाड़ी ने दो गोल डाला है जिस पर